यो आप लोगों को फिर से स्वागत है कि ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। आप सब लोग क्रिकेट लवर, मैं भी क्रिकेट लवर, आप सब लोग जानते हो अभी तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज चल रही है। तो आप सब लोगों ने कमेंट के अंदर बोला ऑक्टल भाई प्लीज एक बार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच खेलो। मैंने बोला ठीक है भाई चलो मैच खेलते हैं, पर भाई न्यू जर्सी जरूर ले रहा है। कोई बात नहीं, आज न्यू जर्सी लेके खेलेंगे और खेलेंगे हम लोग ओडीआई फॉर्मेट में नहीं, खेलेंगे T10 फॉर्मेट में, क्योंकि ओडीआई के अंदर बहुत टाइम लग जाएगा, मिनिमम एक हफ्ता लग जाएगा एडिट करने के लिए। और टीम रहेगा एकदम सेम टू सेम टीम, एकदम रियल टीम रहेगा। देखते हैं आज हमारे इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया कैसे खेलती है और इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड कैसे खेलती है। चलो पीछे भाई, एकदम गजब का पीछे भाई, ये पीच एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है। बात देखो भाई ये पीच हमारे फेवर में कितने ज्यादा यहाँ पे, अभी हम लोग आ चुके हैं सब लोग टॉस के अंदर भाई, और मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम देखते भाई टॉस के अंदर। पर आज भाई बहुत ही कंफ्यूजन, क्या ले हम लोग, हेड्स या टेल? चलो आज हम लोग लेते हैं पे टेल्स देते भाई, चलो इज्जत से भरपूर भरपूर वाला इज्जत यहाँ पे। टॉस कौन जीता भाई, पर न्यू जर्सी कैसे लग रहा है? वाह टॉस हार गए गाइस, तालियां मारो तालियां, हम लोग टॉस हार गए और इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला लिया, मतलब हम लोग को डिफेंड करना पड़ेगा। देखते भाई आप सब लोग जानते हो हम लोग आरसीबी के अंदर डिफेंड करके जीते थे, इसके अंदर भी जीतेंगे। और टीम देख लो यहाँ पे, टीम एकदम रियल टीम है, गजब का टीम भाई, शिखर लपन, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, चलो बच्चे दिल में। इसके अंदर दिखा रहा है एंथम, पर टूर्नामेंट के अंदर नेशनल एंथम नहीं दिखाते भाई, पता नहीं भाई कैसा ग्लिच है या ऐड नहीं किया गेम गेम वालों ने, पता नहीं यार, मुझे बोलना पड़ेगा ट्वीट करके यहाँ पे। वाओ यहाँ पे दोनों सलामी बल्लेबाज उतर चुकी है, अभी बुला रह चुकी है पे क्रिस ओक्स ऑलराउंडर भाई, पहले ऑलराउंडर से बॉलिंग करवाएंगे इंग्लैंड, वाओ मतलब पहले बॉलर से बॉलिंग नहीं करवाएंगे। जैसे जॉर्डन है, जोफ्रा आर्चर है, जोफ्रा आर्चर खेल रहे क्या? आई थिंक नहीं खेल रहा है, पता नहीं भाई, जब बॉलिंग करना है देखा जाएगा हमको क्या भाई, हम लोगों से बल्लेबाजी करना है, बॉलिंग करना है। शिखर धवन सबने बल्लेबाजी कर रखे, पहली गेंद वाइड गेंद, वाह शुरुआत यहाँ पे वाइड गेंद से शुरुआत किया टीम, वाह कैसे खेलोगे तुम लोग भाई, पहली गेंद वाइड गेंद डाल दी। आप लोगों से पता नहीं है हम लोग भाई पहली बार इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे, ओह भाई पैड पे बॉल लगी यहाँ पे, भाई पहले ओवर से क्या चल रहा है यहाँ पे, वो भी डायरेक्ट कर दी भाई, आज पहला ओवर कैसे जा रहा है यहाँ पे भाई, लिटरली हमको इज्जत देना पड़ेगा भाई, इज्जत दो इज्जत दो इज्जत दो। पहली बॉल पे सिंगल डॉट, रोहित शर्मा आ चुके बल्लेबाजी करने के लिए, 140 का स्ट्राइक रेट, इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट 140 का, वाह देखते आज कितना अच्छा बल्लेबाजी कर सकते, कितना उमदा बल्लेबाजी कर सकता है। पर मेरा हाथ अभी तक सेट क्यों नहीं हो रहा भाई, हाथ काट दो, मैं ठीक तरह से शॉट नहीं खेल पा रहा यहाँ पे, चलो ठीक ठाक तो हम लोग ले लिया यहाँ पे, ये भी सिंगल के साथ खाता खोल लिया यहाँ पे। आज भाई लिटरली पिच बहुत गजब का पिच है भाई, बॉल स्विंग हो रहा है भाई, खीसूस कितना तेज तेज बॉलिंग डाल रहा है, मानना पड़ेगा। ओहो फिर से लेट टाइमिंग कर ली, इतना लेट टाइमिंग किसी ने सोची ना हो यहाँ पे, रन आउट नहीं, रन आउट नहीं, रन आउट नहीं, बच्चे दिल में, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं ये तो लेग भाई है, मैं मानता हूँ मोटे दो में घुसा मार दूंगा, नॉट आउट दे, हाँ डर गया हम पे, डर गया मरना, तेरे को डर नहीं लगता? बाप रे बाप, इन लोगों को तो यॉर्कर बॉल डालना चालू कर दिया भाई यहाँ पे, पर गैप भी खेली हम लोगों ने, और चार रन लगे यहाँ पे, ये है पहला चार रन यहाँ पे, टोटल 9 रन आ चुके हैं यहाँ पे, मतलब मुझको भाई पहले ओवर के अंदर चार मारना ये तो मेरा आदत है भाई, और आदत के साथ शिखर धवन है तो और क्या चाहिए, चौकी तो होगा ना, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर भाई 7 का रन रेट ऊपर जा चुके हैं, फिर से यहाँ पे गैप मिली, सेम टू सेम, सेम टू सेम बॉल डाला, सेम टू सेम चौका मार दिया, इस ओवर के अंदर दो दो चौके मार दिए हम लोगों ने, दो दो मतलब चार चौका नहीं, सिर्फ दो चौके मार दिए बोले, फिर भी दो चौके मतलब 8 रन पहले ओवर के अंदर, मतलब लगता है पहले ओवर में सेट हो चुके हैं हम लोग। मैं सुपरमैन जॉर्डन का फैन, मेरे बाल को क्या हो गया भाई, लिटरली इतना जोर जोर से चिल्ला रहा भाई, इतना मतलब नाचा गाना कर रहा हूँ इस मैच के अंदर भाई, मेरे बाल खराब हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। सामने रोहित शर्मा, रोहित शर्मा आज थोड़ा सा अनफॉर्म लग रहा है मुझे, ओ ओ बाउंसर, इतना बड़ा बाउंसर, अंपायर ने दिखा दिया फास्ट बाउंसर, फिर भी आगे बॉल डाल रहे भाई, बहुत ही रिस्की शॉट था ये शॉट भाई, विराट कोहली खेल रहा पर विराट कोहली नहीं खेल रहा है, रोहित शर्मा मार दिया पे, और एक ही 4 रन भाई इस मैच के भाई, चौके से हमने शुरुआत किया, इस ओवर के भी चौके से शुरुआत किया, बोले तो छक्का। बल्लेबाज के यहाँ पे जोश में होश नहीं गंवाना चाहिए, पर आपको पता है ऑक्टल ने सब कुछ गंवा दिया यहाँ पे, लिटरली भाई मैंने तो सब कुछ गंवा दिया भाई, जोश होश और अपना मूंछ कब तो आता नहीं है, सॉरी। गेंद एकदम स्लॉट में है भाई, गेंद एकदम स्लॉट में, पार्किंग लॉट में यहाँ पे, शानदार शॉट भाई, लिटरली ये शॉट देखने के बाद मेरा दिल एकदम खुश हो गया भाई, लिटरली अगर ये शॉट देख के आप लोगों को दिल खुश हुआ तो गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को ऑल पर ठोक देनी है। साइड चेंज, राउंड दो विकेट, बॉलिंग करने का कोशिश यहाँ पे, अच्छा गेंदबाजी पूरी तरह से, हम लोगों ने भाई बैट खेला तो सही शॉट, एकदम बैट से पास से निकल गया भाई, अरे ऑफ साइड के अंदर जो गिल्ली था वो एकदम उड़ गई यहाँ पे। रोहित शर्मा 7 बॉल में 13 के वापस आएंगे, बहुत ही बुरा भाई, लिटरली बहुत ही बुरा, मतलब बैट से एकदम पास से निकल गया, एकदम सही टाइमिंग था हम लोग, देखो यहाँ पे।
अभी सूर्य कुमार यादव इसके वाई बल्लेबाजी करने आ चुके 160 का स्ट्राइक रेट, मैंने आई थिंक देखे 160 का स्ट्राइक रेट है। कोई बात नहीं, आज के मैच के अंदर कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा पारी खेल देखना पड़ेगा। हमारा रन रेट एकदम सही जा रहा है यार, 12 के ऊपर जा रहा है। ओह भाई ये शॉट भाई कितना आराम से खेला भाई, लिटरली एकदम कड़क शॉट खेला भाई। जो लोग हेडफोन यूज कर रहे उन लोग के हेडफोन की आवाज आई है करके, यहाँ पे पेट भर के पानी पी लिया हमारे इंग्लैंड के प्लेयर ने। और एक सिक्स भाई, आज हम लोगों ने भाई आज हम लोगों ने 54 प्लस पी के आए हैं यहाँ पे, सॉरी खा के आए हैं यहाँ पे। ये था हमारा दोनों उंगली का जादू, दोनों उंगली ना नहीं नहीं एक उंगली का जादू था भाई। अभी डग आउट के अंदर हमारे इंडियन के प्लेयर एकदम चिल 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 करते हैं यहाँ पे। अभी रन रेट देखो यार, हमारे पहले ओवर से रन रेट चल रहे पे 13.68, इसको हम लोग को कैसे करके ऊपर लेके जाना है। 100 तो कर रहे हैं आज भाई, ओह हमारे प्लेयर को हिट कर रहा है या भाई हम लोग लेट टाइमिंग खेली। इंग्लैंड का बोलिंग लाइन अब लिटरली आज मुझे बहुत ही गंदा लग रहा है यहाँ पे, ये कनेक्शन ठीक से नहीं हो यहाँ पे। इस विकेट की तलाश थी इन्हें, कैप्टन काफी खुश गेंदबाज से, कैप्टन काफी खुश, मैं बिल्कुल खुश नहीं यहाँ पे। चार बॉल में दो के पापस यहाँ पे, कहाँ 160 का स्ट्राइक रेट, अभी 40 का हो चुकी है। विकेट 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 नॉट लाइक मी, आई नॉट लाइक विकेट, पर विकेट लव्स मी, सही बोला ना? नहीं आइयो श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आ चुके, आज हमारे साथ श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं। वाह आज ईशान किशन को मौका नहीं दिया, मैंने पहले बोला था ये एकदम रियल टीम की है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, लास्ट बॉल है इस ओवर के, सामने शिखर धवन बाउंसर, और बाउंसर को खेलना चाहते हैं शिखर धवन। ये बॉल बल्ले से बीच रही है, यहाँ पर दिल के बीच से निकल रही है शॉट भाई, एकदम भाई गजब का शॉट तरीके से। भाई साहब स्पिनर के अंदर कन्वर्ट कर लिया इन लोगों ने इंग्लैंड वालों ने, पर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया यहाँ पे श्रेयस अय्यर की तरफ से यहाँ पे। वाह देखिए आप श्रेयस अय्यर कितना अच्छा खेल सकते हैं, श्रेयस अय्यर से बहुत दिन के बाद लगता है पहली बार हम लोग खेलने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर की तरफ से यहाँ पे। शिखर धवन तो अच्छा खेला, देखिए आज इसका भाई कितना अच्छा जा सकते हैं यहाँ पे, सिंगल के साथ नहीं दो रन भाई, सिंगल और भाई हम लोग भूख नहीं है भाई, हम लोग दो लेंगे नहीं तो चौके मारेंगे भाई। आज तो सीएम के अंदर बिल्कुल जगह नहीं है भाई, एकदम खचा खचा भर हुआ है एकदम भाई, पर ये तो मानना पड़ेगा ये हम लोग खुशखबर है भाई, शिखर धवन के सर पे थोड़ा बाल आ रहा है भाई, देख के अच्छा लग रहा है तभी। और 8 बॉल में 22 जड़ी, क्या खेल रहे आज भाई, मतलब नजा कब से भरा हुआ आज भाई, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ एक ही बल्लेबाज अच्छा खेल रहा है। रोहित शर्मा लिटरली आज बहुत बुरी तरह आउट हो गया भाई इस ओवर के अंदर, एक भी बाउंड्री नहीं आया यहाँ पे, बच गया यहाँ पे भाई साहब। अगर वहाँ पे फील्डर होता गारंटी कैच जाता, पर कीपर नहीं पकड़ सकते भाई, क्योंकि कीपर के पास बहुत स्पीड से गई है। आदिल रशीद ने ये ओवर तो बहुत सही निकाली, पर हम लोग सीधा शॉट खेले, ये मिले गए यहाँ पे 6, हम लोगों ने बटोर दिया बहुमूल्य बहुमूल्य 6 मार दिए यहाँ पे। जबरदस्त सिक्स भाई, श्रेयस अय्यर का पहला सिक्स, वो भी सीधा एकदम मेरी तरह, पूरा जलेबी की तरह। बॉलर चेंज इनटू द साइड चेंज, क्या बात है, शिखर धवन नॉन स्ट्राइक पे, फिर से हम लोग सेम टू सेम सिक्स, यस दर्शकों से लेना पड़ेगा ये सिक्स, पर बॉल जहाँ पे गिरा है दर्शकों से आगे आना पड़ेगा इस कैच को लेने के लिए। कैसे कैसे लगे भाई ऐसे, गेंद बस बहुत ही अच्छे लय में लग रहा है, और श्रेयस अय्यर भी उससे अच्छे मिला, इतना पॉसिबल चली गई, अरे इतना अच्छा खासा बॉलिंग कर रहा है, डॉट क्यों खा रहा है भाई, 3 बॉल डॉट खा लिया, सिर्फ 7 रन आई है और इसके साथ 8 रन भाई। ये ओवर थोड़ा फ्लॉप गया मानता हूँ भाई, सिक्स आई है पर फ्लॉप गया ये ओवर, मैं मानता हूँ। मैं अक्षय, मैं ऑक्टल, अभी बॉलिंग करना है मिड डे मिल्स, देखते हैं मिड डे मिल्स का अंडा, मिड डे मिल्स का अंडा जा रहा है यहाँ पे हवाई यात्रा में। सॉरी इसका नाम है टी मिल्स नॉट मिड डे मिल्स, मिड डे मिल मतलब पता है भाई, मतलब जो सरकार से खाना देता है स्कूल में फ्री में, उसको बोलते हैं मिड डे मिल। फास्ट बाउंसर और सिक्स, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फील्डिंग को और भी कर दिया कठिन, और लॉन्ग लेग पे लग चुके फील्डर यहाँ पे, पर ऑफ साइड के अंदर कोई फील्डर नहीं है और लॉन्ग के अंदर कोई फील्डर नहीं है, बस गैप मिला और बटोर दिया पे श्रेयस अय्यर ने, और एक चार यहाँ पे श्रेयस अय्यर चौके पर यहाँ पे आई आई। आज तो श्रेयस अय्यर फुल फॉर्म में लग रहा है यहाँ पे, फिर से ऑफ साइड के तो गैप मिला और भाई चार रन, पहले जैसे ड्रॉप था बॉलर पे मुझे तो चार नहीं जाएगा, पर नहीं यहाँ पे मिल गई चार यहाँ पे। अगर इस तरह खेल रहा तो भाई गारंटी भाई T20 वर्ल्ड कप का चांस मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। जब मुझे गैप मिलते तब मुझे मारने का मजा ही कुछ अलग होता है, फिर से गैप मिली पर हम लोगों ने यहाँ पे ये शॉट थोड़ा स्लो खेली भाई, थोड़ा ही स्लो खेली मतलब लेट खेली, नहीं तो भाई ये गारंटी चौकी आता, पिछले वाला जो शॉट किया था गैप में वो परफेक्ट टाइमिंग था भाई, पर क्या ये भी उम्मत हो जाता, पर ये बॉल भी हम लोग को नजाकत से खेलना चाहते हैं यहाँ पे। और एक भाई भाई तीन चौके एक सिक्स इस ओवर के अंदर भाई, देखो भाई हम लोग का रन रेट चल रहा है अभी 13 के ऊपर जा चुके 14 के ऊपर, वाह 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 वाह। अभी आदिल रशीद जी बॉलिंग करने आ चुके हैं लास्ट ओवर डालने के लिए, और यहाँ पे पहली गेंद पे हम लोगों ने ऐसी की तैसी कर दिया पे, आज आदिल रशीद की ऐसी की तैसी।
भाई आज भाई लिटरली शिखर धवन की ओर से क्या खेला हम लोगों ने इस ओवर के अंदर, हम लोग पूरा मार के खेलेंगे भाई। और 20 बॉल में 52 का पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया गाइस, मतलब इतना जल्दबाजी करने के साथ साथ हम लोगों ने पार्टनरशिप कंप्लीट कर लिया। सामने है फुल कैप और बल्ला है पूरा खाली और क्या यहाँ पे देव ताली और एक चरण हम लोग को मिल सकती है इसकी तरफ से। पर फील्डर, ओ भाई फील्डर आ गया भाई, दौड़ दौड़ के भाई कितना तेज भागते यार। ओ भाई साहब मतलब इंग्लैंड के भाई साहब डायरेक्ट हिट कैसे वहां से कर ली डायरेक्ट हिट भाई, क्या थ्रो किया आज भाई, 100 करके ही रहेंगे इस मैच के अंदर भाई। ओ ग्राउंड के बाहर एकदम भाई, ये तो पूरा जाली के अंदर भेद करके जा गए यहाँ पे। वाह दो सीज इस मैच के अंदर हूँ, क्या को इंसिडेंट है भाई। देखो यहाँ पे 15 बॉल में 38 शिखर धवन, 15 बॉल में 38 श्रेयस अय्यर, क्या बात है। पर गैप में खेले गैप, अबे मिला गया चरण, मुझे पता चल गया चरण मिलेगा। पर हाँ थोड़ा फील्डर था वो जंप करके पकड़ सकता था, पर ट्राई नहीं किया, उससे पहले बॉल निकल चुकी यहाँ पे। टाटा बाय बाय चौके पे लगे तो हाई फाई, बहुत प्यास लगी यार, पानी भी नहीं पी सकते यहाँ पे। घड़ी के अंदर कितना बज चुकी है, 12 बज चुकी है भाई, अभी लंच करना पड़ेगा लिटरली हम लोग को। अभी 13.47 का रन रेट जा चुके हैं, रन रेट तो ठीक ठाक ही जा रहा है, इज्जत से भरपूर। अभी टीबिल्स का ये लास्ट ओवर भाई, बहुत ही अच्छा खासा बोलिंग कर रहा है। अरे ये बॉल भी हम लोगों ने मिस कर दी, लगता है हम लोग शॉट सिलेक्शन गलत कर रहे हैं। 47 पे खड़ा शिखर धवन, क्या कर पाएंगे शिखर धवन। 50 यस 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 यस, कर ली 50 कर ली, गैप मिला और कोई फायदा नहीं है पे, गैप मिला ना मेरा कोई फायदा नहीं है। बॉल तो जा रहा है ऊपर से यहाँ पे, लो किसी को लेना पड़ेगा कैच भाई, कोई नहीं लेगा, कोई कैच नहीं लेगा क्योंकि बॉल इतना स्पीड से जा रहा है, बॉल पकड़ना मुश्किल है रे। और कितना बॉल में कितना, 25 बॉल में 53 रन भाई, 5 छक्के 3 चौके, वाह वाह 110 हो चुकी। और कितना रन होगा गाइस बताओ, यहाँ पे कितना टारगेट मिल सकता है। और 104 रन हो चुके, 114 और रन रेट जा रहा है 13, ठीक ठीक जा रहा है भाई, हर ओवर का 13 आ रहा है यहाँ पे बच्चे के दिन में। लास्ट बॉल इस ओवर के अंदर, सामने शिखर धवन एंड 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 6 खत्म। लास्ट ओवर स्पिन बॉलिंग कर रहे भाई, वाह तो मारने में और बिजी होगा, पर मार नहीं पा रहे, ये तो हम लोग की मुश्किल गई यहाँ पे। 122 हो चुकी है, वाह रे वाह। और मोनली अच्छा बॉलिंग कर रहा है यार, शिखर धवन स्ट्राइक पे आ चुकी है, तो कुछ तो बाउंड्री मांगता इस ओवर के अंदर। मामूडी यार शॉट बोले तो गजब की फूर्ती, तुम लोग सिर्फ गजब की फूर्ती देखा तो, मैं जब बॉलिंग करूंगा हम लोग आते हैं ना सेकंड इनिंग्स के अंदर, तब मैं दिखूंगा गजब की फूर्ती। और अच्छा खेला भाई शिखर धवन भाई, 29 बॉल में 63 का पारी भाई, क्या खेला आज भाई। लास्ट बॉल खेलने के लिए आ चुकी है ऋषभ पंत, देखते हैं लास्ट बॉल के अंदर अगर 1 6 मिल किया तो बहुत रन हो जाएगा, 130 हो जाएगा सबसे बड़ी बात। चलो देखते हैं लास्ट बॉल इस मैच के अंदर, पहले इनिंग्स के अंदर पीछे हटी और ये पे बॉल हवा में दुर्घटना घटी भाई, मुझे पता चल गया था कैच होने वाली क्योंकि बॉल ज्यादा गई नहीं है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, पहला इनिंग्स खत्म, बहुत रन ये मानना पड़ेगा, अभी इंग्लैंड को करना पड़ेगा 60 बॉल के अंदर 125 रन, देखते भाई कर पाते या नहीं। बाप रे बाप, ऑडियंस इतना चिल्लाता क्यों है भाई, अरे दोनों टीम उधर चुकी है भाई, इतना चिल्लाने का कारण शुरू होते भाई। अभी जॉस बटलर एंड जेसन रॉय, जॉस बटलर ओपन कर रहा है आइजा गावत, क्या बात है भाई, मैंने पहली बार देखा यार, आई थिंक ओपन करता है यहाँ पे, हाँ ओपन करता था भाई। जेसन रॉय को बहुत दिन की बात देख रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं आज मोहम्मद समय से हम लोग बोलेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे फील्डिंग सेट करेंगे, पर फील्डिंग यहाँ पे तो ऑटोमेटिक सेट कर दी इन लोगों ने। चलो फील्डिंग सेट कर ले, अभी जेसन रॉय बल्लेबाजी कर रहे, पहली गेंद इस मैच के यहाँ पे, पहली गेंद पे सिक्स मारती आई जाते वो, ये क्या बात थी, लगता है आज ये लोग ताबोटर बल्लेबाजी करने वाली है। यहाँ पे पहले बॉल में सिक्स मार दी भाई, कितना मीटर मारा ये सिक्स में देखना पड़ेगा यहाँ पे, 102 मीटर सिक्स भाई, मुंबई के मैदान से मक्खन लगा के चस्का लगा के जॉस बटलर हमारे साथ में यहाँ पे 141 का स्ट्राइक रेट, बाप रे बाप भाई, इसको बहुत ही ध्यान से बॉलिंग करना होगा भाई, क्योंकि अगर ये खेलना चालू कर दी तो हमारा खेल बंद हो जाएगा, लिटरली बोल रहा हूँ। चलो जॉस बटलर यॉर्कर बॉल, पर अगर थोड़ा सा बॉल आगे गिरता गारंटी विकेट मिलता, क्योंकि ये कैच हुआ था यहाँ पे, कोई बात नहीं, सिंगल के साथ खाता खोलो जॉस बटलर। डग आउट के अंदर प्लेयर बहुत ही चिल मारते हैं यहाँ पे, पर अभी लास्ट बॉल हम लोग डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा बाहर की तरफ बॉल डालते हैं भाई, क्योंकि बाहर की तरफ बॉल डालेंगे तो हम लोग ऑफसाइड के अंदर कुछ काम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैट्समैन रूम नहीं बना पाएंगे, एक्चुअली हम लोग को बैट्समैन रूम दे रहे इसलिए भी वो लोग मार पा रहे थे। पर सोचो भाई पहली बॉल के अंदर सिक्स मारती यहाँ पे जेसन रॉय ने, रूम दे दिया था अच्छा खासा, अभी बुमराह को दिया है हम लोगों ने बॉलिंग करने के लिए, अब वास्पर पर बुमराह ये बॉलिंग करने के लिए, देखते हैं बुमराह के ओवर के अंदर कुछ तो डाउनफॉल, कुछ तो अच्छा खासा बॉलिंग मिलेगा, क्योंकि पहले ओवर के अंदर 11 जड़ दिया हमारे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, और देखते हैं इस ओवर के अंदर कितना जड़ सकते हैं अभी। फील्डिंग तो ठीक ठाक ही है भाई, मैंने आप सब लोगों से बताया आप लोगों का फील्डिंग करना, मुझे सेंड कर दो, मैं अप्लाई कर दूंगा इस गेम के अंदर, पता नहीं भाई इंग्लैंड कैसे करेंगे 52 बॉल में 113 रन पर, कैच हो सकते हैं भाई कैच इट।
गजब की फुर्ती जोन, प्लेयर इज गॉन। ये देखो ये हमारा है गजब की फुर्ती। बुमराह आते आते पे अच्छा खासा विकेट ले ली, पर किसको विकेट में देखा नहीं भाई, किस प्लेयर को विकेट लिया भाई, फटाफट से ये भी दिखा दो मुझे यहाँ पे। जॉस बटलर का इतना बड़ा प्लेयर का विकेट ले लिया, आप इंग्लैंड वाले नहीं छोड़ेंगे। डेविड मलान देखते आज हमारा कितना चालान काटते हैं यहाँ पे, 50 एक बार ही किए यहाँ पे, और स्ट्राइक रेट 137 का। एंड्रयू रॉय जी कैसे बल्लेबाजी करते हैं, अब सिर्फ 3 बॉल बाकी है, 124 कैसे करेंगे यहाँ पे भाई, मैं बताओ। अई भूल गया, कोई बात नहीं, अभी बोलिंग से हम लोग को फायदा मिल सकता है। 48 बॉल में 112 रन मैच को जीतेंगे, ये भी कैच हो सकता है, थोड़ा सा आगे गिरा रहते, ये भी गारंटी कैच होगा। हम लोग को भाई थोड़ा बहुत स्पेल डालना पड़ेगा, क्योंकि स्पेल ही एक्चुअली काम आ सकता है इस मैच के अंदर भाई, क्योंकि अच्छा, मुझे लग रहा है भाई ये लोग ना 5 ओवर के बाद प्लान बी अप्लाई करेंगे, अभी बिल्कुल नहीं मार रहे, 5 ओवर या 6 ओवर के बाद ये लोग मारना स्टार्ट करेंगे। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का, थैंक यू, मेरा नॉलेज तो कमाल के, और बॉलिंग भी है पे कमाल के। देखो भाई डॉट कर फिर से यहाँ पे खेलने कहते पीछे की ओर खेल नहीं पाए, हर बॉल यॉर्कर के तमाम बॉलिंग हो रही है यहाँ पे। विनर के अंदर हम लोगों ने चेंज अप कर लिया पे, अभी हर ओवर के अंदर चाहिए 15 करके, एटलीस्ट 16 करके चाहिए, तभी इस मैच को जीत पाएंगे हमारे इंग्लैंड। देखते हैं जद्दू कैसे बोलिंग करेंगे, थोड़ा कैरम बॉल ट्राई करते इस बार, कैरम बॉल खेलता, अरे भाई से स्पिनर खेल ली थोड़ा सा और अगर राइट साइड के अंदर बॉल डालता तो सही होता यहाँ पे, लिटरली हम लोग के वैसे कुछ नहीं होने वाला। जब मैच घबराए तब जड्डू का बॉलिंग को लाए यहाँ पे, चलो जेसन रॉय पे 12 बॉल के अंदर 15 जाट दिया, डेविड मलन 7 बॉल के अंदर 5 रन, लगते ये लोग टेस्ट मैच खेल रहे भाई, जीतने की इरादा नहीं है क्या। ये मुत्तुस्वामी बॉलिंग कर रहा है, मुत्तुस्वामी चिन्नास्वामी। अबे साले सॉरी, क्या कोई बात नहीं, पहली बॉल हमारे मोहम्मद स्वामी का यहाँ पे, फिर से डॉट बॉल, आज लगता है डॉट बॉल का बारिश हो रहा है, आज लिटिल हम लोग का बॉलिंग जबरदस्त हो रहा है। अब थोड़ा बाहर की तरफ से बॉल डालेंगे, कोशिश करते हैं बैट्समैन यहाँ पे मूवमेंट करेगा तभी तो यहाँ पे विकेट मिलेगा भाई, क्योंकि बैट्समैन को मूवमेंट अगर करा सकते हो तभी सबसे अच्छा बॉलिंग कर रहा है आप लोग भाई, जैसे मैंने किया। गेंदबाज बहुत ही अच्छे लय में लग रहे, बल्लेबाजी बहुत ही अच्छे लय में भाई, पर ये कैच मिल सकते हैं, ऑब्वियसली कैच मिलेगा यहाँ पे, ये आउट मिल गया यहाँ पे, गजब की फुर्ती के साथ यहाँ पे, लिटरली आज मिल रहा है गजब की फुर्ती, 2 विकेट मिल गई, सेड बल्लेबाज को आउट कर दिया पे। गाइस सब लोग कमेंट के अंदर बोलेंगे गजब की फुर्ती, मैं भी बोल रहा हूँ भाई आप लोगों के साथ, मैं भी बोल रहा हूँ, चलो कमेंट के अंदर मैंने भी लिखा गजब की फुर्ती। दोनों खतरनाक बल्लेबाज गया और एक खतरनाक बल्लेबाज आ चुकी है, जॉनी द बेस्ट भाई, इसको कैसे रोकना पड़ेगा। हाँ डेविड मलन भी बहुत ही अच्छा खासा बल्लेबाजी करते हैं, पर आज उतना अच्छा मूड में नहीं लग रही है। देखो यहाँ पे डॉट गेंद, मैंने बोला भाई डॉट बॉल खेलेगा, ये पता चल रहा है आज भाई फॉर्म में नहीं है। अभी जॉनी बेस्ट स्ट्राइक पे आ चुकी बल्लेबाजी करने के लिए, और बॉलर भी हम लोगों ने चेंज कर ली, अभी हाँ बॉलिंग करना यहाँ पे चैल, स्पिन के अंदर कन्वर्ट किया भाई, आई थिंक स्पिन के अंदर कुछ फायदा मिल सकता है, फिर रन रेट को हम लोग रोक सकते हैं यहाँ पे, 30 बॉल के अंदर 98 चाहिए वाह। स्पेल डाल रहा है भाई, स्पेल के अंदर काम करके फिर से विकेट, यस बिना खाता खोले फिर से जाना पड़ेगा हमारे जॉनी बेस्टो के यहाँ पे, फिर से गर्व की पुर्ती बोल रहा हूँ, गजब की पुर्ती, 3 हम लोग को विकेट मिल गया आज भाई, वाह आज लिटरली इंग्लैंड को धो दिया भाई, ऐसे रन नहीं पटर पा रहे और ऐसे यहाँ पे विकेट गिर रहे हैं, बिना खाता खोले वापस जाना पड़ेगा जॉनी द बेस्टो को। अभी कप्तान खुद पधार चुके हैं बल्लेबाजी करने के लिए, यॉन द मॉर्गन, और आते आते पहली बॉल में 4 रन, वाह मतलब पहला 4 रन इस मैच के, मतलब सेकंड इनिंग्स के अंदर आई थिंक, नहीं पहला 4 रन नहीं है, इससे पहले 6 भी लगाता, हाँ पहला 4 रन तो है भाई। तुम लोग भाई गाना बंद करोगे भाई, कमेंट्री के अंदर बैठे बैठे ये लोग गाना गा रहे भाई कमेंट्री बंद करके, वाओ अभी देखो यहाँ पे ठीक तरह से बल्लेबाजी कर नहीं कर पा रहे इंग्लैंड, उसका फायदा उठा रहे यहाँ पे हमारे कमेंट्री बॉक्स यहाँ पे, अच्छा शॉट तो खेल रहे पर सिंगल ही आ रहा है, बाउंड्री नहीं आ सकता। अभी हार्दिक पांड्या को बॉलिंग पे लाया है, देखते हार्दिक पांड्या का कुछ रन कम कर सकते हैं यहाँ पे, रन तो ऑलरेडी कम है यहाँ पे, ओ ओ ओ विकेट, फिर से गजब की फूर्ति, यस ऑब्वियसली भाई आज ये मैच चल रहा है गजब की फूर्ति के पेट्रोल में भाई, लिटरली भाई आज सब लोग को बनता है भाई, सब लोग को बनता है इस वीडियो को, अभी तक एक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर देना, लिटरली बोल रहा हूं कौन से विकेट जा रहा है, लिटरली हम लोगों ने क्या विकेट लिए भाई आज, में हम लोगों ने 4 विकेट निकाल ली, पर मॉर्गन ओ भाई मॉर्गन अभी फुल फॉर्म में भाई, मॉर्गन आते आते चौके मार दी इस ओवर के अंदर, पहले चौके मार दी यहाँ पे, लगता है मॉर्गन यहाँ पे ताबड़तोड़ खेलने वाली है, मुझे तो लग रहा है, पर इसके बाद कितना विकेट गिरेगा, 21 बॉल में चाहिए 88 रन मैच को जीतने के लिए, बहुत ही मुश्किल लग रही है ऐसा मैच जीतने यहाँ पे, अरे भाई साहब क्या कैच भी है भाई, जबरदस्त कैच इन द हाउस,
बेस्ट कैच एवर भाई, बेस्ट कैच एवर, आज तक का आरसी चड्डू का बेस्ट कैच एवर भाई, लिटरली ये होता है भाई विकेट ऑफ द सेंचुरी। ऋषभ पंत ने भाई क्या झलंग लगा के कैच यहाँ पे, एक बार रिव्यू तो बनता है इस कैच के भाई। देखो यहाँ पे मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा, देखो एक बार चुप जाए विकेट को भाई, क्या विकेट लिया पे, बनता है भाई इस विकेट पे नाम पे कमेंट तो बनता है। अभी क्रीज के अंदर दोनों ही न्यू बल्लेबाज है, मोइन अली और लिमलिम लिविंगस्टोन। अरे लिमलिम सॉरी सॉरी लियाम लियाम, अरे नाम क्या था इसका, लियाम लियाम, लियाम लियाम है लिमलिम, तुमसे ना हो पाएगा। अरे नाम क्या था, भूल गया भाई, लैम लैम, अरे क्या था, लिमलिम, लियाम लिविंगस्टोन, याद आ गया, लिमलिम बोल रहा हूँ। सब लोगों ने एक एक विकेट ले लिया, क्या प्रसिद्ध कृष्णा एक विकेट निकाल पाएंगे। सामने मोइन अली पर मुश्किल कर दी रे, फील्डिंग आज हम लोगों ने खोला ही नहीं है क्योंकि मुझे जरूरत लगा नहीं फील्डिंग खोलने का, पर अच्छा खासा विकेट मिला भाई, फील्डिंग ना खोल के हम लोग आज बहुत ही अच्छा खासा विकेट मिल गई। अभी 14 बॉल के अंदर 78 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए, अभी तक 50 भी नहीं कर पाए, मतलब 10 ओवर के आसपास जा चुके हैं भाई, 50 रन भी नहीं कर पाए आज। इंग्लैंड को हो गया क्या भाई, हाँ बॉलिंग हम लोगों ने अच्छा किया भाई, जैसे बुमराह ने बॉलिंग करने आई है तब से अच्छा बॉलिंग कर रहा हूँ। लास्ट के दो ओवर बाकी है तो हार्दिक पांड्या और बुमराह से बॉलिंग कर पाएंगे, जो हार्दिक पांड्या तो फॉर्म में जा रही है और उसके साथ बुमराह भी फॉर्म में जा रही है, अगर और एक विकेट मिल गया तो बहुत सही होगा। विकेट पे विकेट ये लोग जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है लग रहा है टेस्ट मैच खेलने के लिए आई है। सामने लियाम लिविंगस्टोन, वो भाई साहब क्या क्या फाइट किया भाई, ये शॉट जबरदस्त था भाई, कोई नहीं रोक सकते शॉट को और कोई नहीं जीता सकता इस मैच को, क्योंकि अभी हर ओवर के अंदर चाहिए 48 रन मैच जीतने के लिए। बल्लेबाज जब मारना स्टार्ट करते तब रुकता नहीं है भाई, हम लोग भी नहीं रुकेंगे, बाहर की तरफ गेंद करेंगे, यहाँ पे पर खेलने गए थे, बैट्स के अंदर के कनेक्शन बिल्कुल नहीं हो पे, किस तेजी के साथ विकेट लिया, बोलो फिर से, बोलो फिर से, बोलो ना गजब की फुट के विकेट लिया यहाँ पे, क्योंकि आज भाई 3 विकेट ले ली भाई, 3 विकेट हार्दिक पांड्या के नाम पे, लिटरली जबरदस्त खेला आज, आज इंडिया की बॉलिंग भाई जबरदस्त हो रहा। लास्ट बॉल सामने मोइन अली यहाँ पे भाई खेलने गए थे हवा पे, पर फील्डर मौजूद विकेट, पर हैट्रिक चांस, हैट्रिक चांस, हैट्रिक चांस मिस हो गई भाई, क्योंकि ये लास्ट बॉल था, लास्ट ओवर था, तो हैट्रिक तो नहीं हो पाएगा, लिटरली 4 विकेट हार्दिक पांड्या के नाम पे। गाइस फील्डिंग ना खुल पे भी हम लोग आज मैच जीत सकते, देखो यहाँ पे क्या बॉलिंग किया भाई, खुद के ऊपर प्राउड फील हो रही है। लास्ट ओवर करेंगे हमारे बुमरू जी यहाँ पे, और कैच है, अरे फील्डर के थोड़ा यहाँ पे बीच में गिरा, तो ये भी गारंटी कैच मिलता। हम लोग ट्राई करेंगे और एक विकेट लेने की, एक्चुअली हम लोग ट्राई करेंगे ऑल आउट करने की, चलो आज भाई ट्राई करते हो पाते नहीं। सेकेंड बॉल 5 बॉल के अंदर 64 रन, अरे कैच इट, कैच इट, कैच इट, ऑब्वियसली आज 8 विकेट मिल गई हम लोग को, पहली बार हम लोगों ने 8 विकेट लिया, वो भी इंग्लैंड के साथ भाई, लिटरली बोल रहा हूँ। और जॉर्डन यहाँ पे वापस जाएंगे, जॉर्डन भाई साहब आदिल नसीम क्या खेल रहे भाई, 8 रन जा दिए 2 बॉल के अंदर भाई, और लास्ट बॉल, लास्ट बॉल के अंदर भी चौके मार दी, वाह 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 वाह, 3 बॉल के अंदर आप 12 रन जड़ दिया पे, मतलब आदिल नसीम आज हीरो बन गया, आज हीरो हमारा है हार्दिक पांड्या, 4 विकेट लिया है, और इसी के साथ 50 रन से इंडिया जीत गया। गाइस चेजिंग किंग तो था भाई, अभी तो हम लोग बन चुके डिफेंडिंग किंग, क्या बोलते हो गाइस, किंग बोल सकते हो हम लोग अश्विन का नहीं। अरे मुझे लगा था आज भी हार्दिक पांड्या मैन ऑफ द मैच होंगे, पर नहीं भाई, शिखर धवन भी अच्छा खेला, हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेला भाई, 4 विकेट लिया है, और क्या चाहिए। तो मेरे भाई लोग ये मैच कैसा लगा मुझे कॉमेंट के अंदर जरूर बोलना, और सबसे बेस्ट मूवमेंट कौन सा लगा मुझे बोला, क्योंकि इस मैच के अंदर हम लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा मूवमेंट क्रिएट किया, जैसे यहाँ पे ऋषभ पंत का कैच, हार्दिक पांड्या का 4 विकेट, बुमराह का कैच, बुमराह का विकेट, कौन सा मूवमेंट अच्छा लगा मुझे कमेंट के अंदर जरूर बोलना। और भाई आजकल डिफेंडिंग के अंदर हम लोग अच्छा खासा खेल रहे भाई, तो गाइस अगर आज के वीडियो अच्छा लगा तो आज का मैच अगर अच्छा लगा तो भाई एक लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो गाइस चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देना। क्या कर रहे हो भाई, हम लोग डेली मजाक करते भाई, ठोको दबा के लाइक से ठोक दीजिए, मिलते हैं गाइस कल के वीडियो के अंदर, कल के मैच के अंदर, तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग, लव यू। यो 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 आप लोगों को